जापान न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। शुरुआत करेंगे इस समय की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला किया है। वो नए कृषि बिल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि किसानों के इस आंदोलन का सबसे बड़ा कारण है नए किसान कानून, जिस वजह से किसानों को ये आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्हें डर है कि उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम आपको बताएं तो नए किसान कानून में सरकार ने जिस व्यवस्था को जोड़ा है उसमें कारोबारी किसान से मंडी के बाहर अनाज खरीद सकता है। अभी तक मंडी में किसान से अनाज की खरीद पर व्यापारी को 6 से 7% का टैक्स देना होता था। वहीं मंडी के बाहर अनाज की खरीद पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे आने वाले समय में मंडियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और किसान सीधे तौर पर व्यापारियों के भरोसे रह जाएंगे, यानी कि आश्रित हो जाएंगे उन पर। तो वहीं उसे उनकी फसल पर तय दाम से ज्यादा या कम भी मिल सकते हैं। किसानों को यही डर है कि इस बिल से व्यापारी वर्ग उनका शोषण कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए दिल्ली सीमा पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली की ओर कूच करने में पंजाब हरियाणा राजस्थान के किसान शामिल हैं। ये किसान 26 से 28 नवंबर तक के दिल्ली कूच पर निकले हैं। इन किसानों को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और बैरिकेड आदि लगाकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंबाला हाईवे पर रोके जाने के बाद बुधवार को किसानों की पुलिस से झड़प हो गई थी। इसमें 100 किसानों को हिरासत में भी लिया गया था। यहां पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों की दिल्ली कूच पर वरिष्ठ अधिकारियों की कड़ी नजर है। वे इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन से भी कड़ी नजर रखी जा रही है। किसानों के दिल्ली कूच करने की सूचना पर गाजियाबाद के यूपी गेट के पास दिल्ली की तरफ अर्ध सैनिक बल, पुलिस बल और CISF के जवानों की तैनाती के साथ डाबर तिराहे के रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं और वाहन महाराजपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को जाम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में भी लाखों किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उन्हें अगर रोका गया तो वे दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते जाम कर देंगे। तो वहीं इन हालातों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी अपनी सेवाओं में बदलाव किया है। बता दें कि दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद समेत NCR के सभी शहरों को जोड़ने वाली लाइनों पर बॉर्डर के 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा दोपहर 2 बजे तक बंद कर दी गई थी। आपको बता दें, हाल ही में बुधवार को अंबाला हाईवे पर पुलिस और किसानों की झड़प हुई थी, जिसमें 100 किसानों को गिरफ्तार किया गया था और यहां धारा 144 लगा दी गई। किसान दिल्ली की तरफ अब कूच कर रहे हैं, इसलिए यहां पर पुलिस बल की तैनाती भारी संख्या में की गई है। कई मेट्रो स्टेशन पर तो मेट्रो का टाइम भी चेंज किया गया है, जो कि 2 बजे के बाद मेट्रो चलेगी। अब कई तरह के इसमें फेरबदल भी किए गए हैं आंदोलन को देखते हुए। अब देखना ये होगा कि ये किसानों का आंदोलन कहाँ तक जाता है और इसमें किसको कितना नुकसान होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज के साथ। नमस्कार।